गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर पैक। तो आपने ममाअर्थ के अनियन हेयर पैक के बारे में तो सुना ही होगा, ये काफ़ी अच्छा है, ये बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को रीग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसी पैक को ध्यान में रख के आज हम बनाने वाले हैं घर पर DIY अनियन हेयर मास्क, जो कि आपके बालों को झड़ने से रोकेगा, आपके बालों को रीग्रोथ करने में हेल्प करेगा, आपके बालों में शाइन ऐड करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे बनाना है, किस तरह से इसे लगाना है, कितनी देर के लिए इसे लगाना है और किस तरह से इसे वॉश करना है, ये सब हम जानेंगे आगे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस हेयर पैक को बनाना। तो इस हेयर पैक को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ कर्ड यानी कि दही। तो दही लेना है आपको अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, आपकी हेयर लेंथ जितनी भी हो आप उसके अकॉर्डिंग दही ले लीजिए। तो दही जो होता है हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये बालों में से डैंड्रफ हटाने में हेल्प करता है, इसके साथ ही आपके बालों को स्मूथ, सिल्की और शाइनी बनाने में भी हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं कोकोनट ऑयल ले रहे हैं। तो कोकोनट ऑयल लिया है मैंने 1 टीस्पून जितना। तो कोकोनट ऑयल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो ममाअर्थ के अनियन हेयर पैक में कोकोनट ऑयल है, आप चाहें तो इसके जगह पे कैस्टर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल एक्सेसिव ड्राई हैं तो आप कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लेमन ऐड किया है। तो ममाअर्थ के हेयर पैक में वहाँ पर बैम्बू विनेगर का यूज़ किया गया है, तो विनेगर हर किसी को सूट नहीं करता है, तो इसके जगह पर मैंने लेमन लिया है। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, दही भी उतना ही अच्छा वर्क करेगा हमारे बालों के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। तो एलोवेरा जेल जो है हमारे बालों को काफ़ी अच्छा सा कंडीशनिंग करता है, बालों को स्मूथ बनाता है, आपके बालों के टेक्सचर को भी काफ़ी अच्छा कर देता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है तो इसे स्मूथ करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून लिया है, आप चाहें तो इसकी क्वान्टिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ इन सबको मिला लेंगे। इसके बाद जो मैं यहाँ पे लूँगी वो है एडिशनल है, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि समर आ गई है तो मैं इस तरह से पैक को लगाना पसंद करती हूँ। मैं बाद में बताऊँगी इसे मैंने क्यों लिया। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कंडीशनर। तो कंडीशनर मैं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून जितना कंडीशनर ले लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहे तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कंडीशनर ले लिया है। आपके पास जो भी कंडीशनर है आप वो कंडीशनर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसे भी मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है इस पैक का वो है अनियन। तो यहाँ पर हमें रेड अनियन लेना है, आपको वाइट अनियन का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे छोटे अनियन लिए हैं, हमें 4 से 5 टीस्पून जितना अनियन चाहिए, अनियन जूस चाहिए, तो इससे हमारा पैक जो है तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका जूस निकाल लिया है, तो आप देख सकते हैं, आप कद्दूकस कर लीजिए अनियन को, उसके बाद प्रेस करके उसका जूस निकाल लीजिए स्ट्रेनर की हेल्प से। तो अब इसका जूस हम ऐड करने वाले हैं अपने मास्क में। तो अनियन जो होता है हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये आपके बालों को रीग्रोथ करने में हेल्प करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप सिर्फ अनियन जूस भी लगा सकते हैं अपने स्कैल्प में, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर लिया है इसे, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा ये अनियन हेयर पैक जो है बनके तैयार हो गया है। मैंने इस हेयर पैक में अनियन जूस का यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पे अनियन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अनियन ऑयल घर पे बना सकते हैं, अनियन को छोटे छोटे पीसों में काट लीजिए, उसके बाद इसे कोकोनट ऑयल में थोड़ा देर के लिए बॉईल कर लीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद आप इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लीजिए, छानने के बाद आपका जो अनियन ऑयल है बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पैक बन के रेडी हो गया है, तो इसे हम अप्लाई करेंगे अपने बालों में। तो सबसे पहले आप अपने बालों को डीटैंगल कर लीजिए, उसके बाद अपने बालों को हल्का सा वेट कर लीजिए। किसी भी पैक को लगाने के पहले अपने बालों को हल्का सा वेट कर लेंगे तो ये बालों पे अच्छे से स्प्रेड होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशनर का यूज़ किया है, तो कंडीशनर जो है थोड़े से वेट बालों पर ज़्यादा अच्छे से लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं बालों को हल्का सा वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंडीशनर यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर मैं इसे अपने स्कैल्प पर नहीं लगाऊँगी। अगर आप भी कंडीशनर डाल रहे हैं तो इसे स्कैल्प पर बिल्कुल मत लगाइएगा। अगर आप कंडीशनर नहीं डाल रहे हैं तो आप इसे आप बिल्कुल अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं, क्योंकि अनियन जूस है तो अनियन जूस आपके बालों को रीग्रोथ करने में हेल्प करेगा, इसके साथ ही आपके बालों को झड़ने से भी बचाएगा। तो इसीलिए ये एक टिप है, अगर आप कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं तो बालों के बिल्कुल भी स्कैल्प में आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने अपने पैक में कंडीशनर का यूज़ किया है। तो पहले मैं कंडीशनर लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर शैम्पू करूँगी अपने बालों पर।
तो इस तरह से आपको बालों को थोड़ा थोड़ा वेट करते जाना है और अपने बालों पे इसे अप्लाई करते जाना है। पूरे बालों में आपको अप्लाई करना है, अच्छे से आप अप्लाई कर लीजिए, पूरे आपको बालों के एंड पोर्शन तक इसे अप्लाई करना है। काफ़ी अच्छा सा हेयर मास्क है, आपके बालों में बहुत अच्छा सा शाइन ऐड कर देता है, इसके साथ ही हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने पैक को अप्लाई कर लिया है अपने पूरे बालों में, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस पैक को लगा के छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशनर इसमें डाला है इस पैक में, इसलिए मैं इस पैक को सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी अपने बालों पे। अगर आप कंडीशनर का यूज़ नहीं कर रहे हैं इस पैक में, तो आप इसे आराम से 15 से 20 मिनट रखिए, क्योंकि इसमें अनियन जूस है, तो आपको इसे हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं रखना है अपने बालों में, क्योंकि अनियन जूस इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। इसके बाद आप इसे अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लीजिए। तो इस पैक में आपने देखा होगा मैंने कंडीशनर मिलाया है, इसके बाद मैंने शैम्पू कर लिया है। तो ये एक टिप है मेरी तरफ से आपको, क्योंकि समर में जो हमारे स्कैल्प होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, आप अगर शैम्पू करने के बाद कंडीशनर यूज़ करते हैं तो आप देखते होंगे दूसरे या तीसरे दिन से ही आपके जो बाल हैं काफ़ी ज़्यादा ऑयली लगने लगते हैं। इससे बचने के लिए आप पहले कंडीशनर लगाइए, उसे आप 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए अपने बालों में, उसके बाद आप शैम्पू कीजिए, तब भी बाल उतने ही अच्छे होते हैं, उतने ही सिल्की और शाइनी लगते हैं। और इस पैक को आप लगा सकते हैं वीक में 3 बार, ये काफ़ी अच्छा है। ये पैक आपके हेयर ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, इसके साथ ही आपके बालों में शाइन ऐड करता है, बालों को झड़ने से बचाएगा, रीग्रोथ करने में हेल्प करेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।